लोग अक्सर ही ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पैसे बचते नहीं, जबकि असल समस्या पैसे की कमी नहीं होती। समस्या होती है कि लोग अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते और कई केसेज में पैसे बर्बाद करते रहते हैं और इसी वजह से वो कभी अमीर हो ही नहीं पाते। आज मैं आपको चार कारण बताने वाला हूँ, चार गलतियाँ बताने वाला हूँ कि लोग कैसे अपने पैसे को बर्बाद करते हैं और कैसे हमेशा ही पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आप अपने पैसे की कमी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे बर्बाद करना बंद कर देंगे। आप अपने कर्ज से दूर रह सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उसके बाद में आप खुद को धनवान या अमीर भी बना लें। बात करें इन चार तरीकों की जिनकी वजह से लोग पैसे बर्बाद करते हैं और आपको जिनसे दूर रहना चाहिए, तो इसमें पहला तरीका है शो ऑफ करना। जी हाँ, ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है और फिर से कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। आप चाहें तो मुझे ब्रोकर रिकॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप शो ऑफ करते हैं तो आप हमेशा ही अपने बजट से ज़्यादा खर्च करेंगे, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करेंगे और हमेशा ही पैसे की बर्बादी करते रहेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप पैसे की बर्बादी करते रहेंगे तो आपके लिए पैसे बचाना नामुमकिन होगा। आप कर्ज लेते रहेंगे और कर्ज में डूबे रहेंगे। साथ ही जब आपके पास में पैसे बचेंगे नहीं, जब आप कर्ज में ब्याज में अपना पैसा देते रहेंगे, तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। यानी कि अमीर होने के लिए जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर हों, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। सिर्फ शो ऑफ करना बंद करके भी आप अपने आप को अमीर बना सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये गलती करना बंद करिए और मुझे यकीन है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो है अपने महंगे सामान का ध्यान ना रखना। जी हाँ, महंगा सामान तो खरीदते हैं, वो तो एक अलग बात है, हम उस बारे में अभी बात नहीं करते। लेकिन लोग महंगे सामान को खरीद लेते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते। और लोग अपने महंगे सामान का ध्यान इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो इसको पैसे से जोड़कर नहीं देखते। इस वजह से होता यह है कि लोग अपने महंगे सामान को ख़राब कर लेते हैं और फिर से वापस उस सामान को ख़रीदने के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें सामान की, इस चीज़ की आदत हो जाती है, उनको इसकी ज़रूरत लगने लगती है। कई बार लोग इस वजह से कर्ज भी लेते हैं और जैसे ही आपने कर्ज लिया, आप वैसे ही खुद को गरीबी की तरफ धकेल देते हैं। और लोग अपने महंगे सामान को संभाल कर इस्तेमाल नहीं करते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण तो आपका मोबाइल फ़ोन है। मैंने देखा है कि लोग महंगे महंगे फ़ोन ख़रीदते हैं और बारिश में उस फ़ोन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये का फ़ोन नहीं है, 15 रुपये का खिलौना है जो कि पानी में ख़राब होगा ही नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार उनके फ़ोन ख़राब होते हैं और मजबूरी में वो लोग नए फ़ोन ख़रीदते हैं जो कि पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी है। और ये सिर्फ फ़ोन के साथ होता है, ऐसा नहीं है, गाड़ी हो गया, जूते हो गए, कपड़े हो गए, गैजेट्स हो गए, घर का सामान हो गया, और ऐसी जाने कितनी चीज़ें होती हैं जो लोग ख़रीदते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और उसके बाद में फिर पैसे की बर्बादी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे की कमी से कभी परेशान ना हों, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी सामान खरीदें उसे ध्यान से इस्तेमाल करें, उसका ध्यान रखें और पैसे की बर्बादी को रोकें। अगली गलती जो लोगों के पैसे की बर्बादी का कारण होती है, वह है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप पैसे की बर्बादी करते हैं। आप चाहे जो बात कहें, आपके पास ढेर सारे कारण हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, और आपके हिसाब से हर कारण सही भी होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी ना ही आपको ज़रूरत होती है और ना ही वो आपके बजट में होती हैं, लेकिन आप खरीद लेते हैं क्योंकि आपको दिल और दिमाग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता कि आपने पैसे खर्च कर दिए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप उस सामान को ख़रीदने से कर्ज में डूब जाते हैं और कर्ज में डूबने पर आपको कर्ज चुकाने के लिए अपनी जेब से ब्याज देना होता है, पैसा देना होता है, और आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग के सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया टूल यानी कि आपके पैसे को दूसरे को देते रहते हैं और आप अमीर नहीं हो पाते, आपके पैसे से दूसरे लोग अमीर होते हैं। और अगर आप कैशबैक या पॉइंट्स की बात करने वाले हैं तो मुझे बताइए कि आपको कितने की खरीदी पर कितने पॉइंट मिलते हैं। कई केसेज में आप पूरे 1,00,000 रुपये की खरीदी करेंगे तब जाकर आपको 750 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। अब ये कौन सी समझदारी है भाई कि कैशबैक की लालच की वजह से बेवजह ज़्यादा खरीदी करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे की बर्बादी ना करें तो आपको क्रेडिट कार्ड को सीधे ना कर देना चाहिए। पैसे बर्बाद करने की चौथी गलती है सेल से खरीदी करना और ये मानकर चलना कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। खासकर त्योहारों के वक्त आपको बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल दिखाई देती है जहाँ पर कम रेट में बढ़िया सामान मिलने की बात होती है। ये अपने आप में एक शानदार बात लगती है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें सस्ते में सामान मिल रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है,
और हम ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। आपको समझना होगा कि जब आपको 20,000 रुपये का फ़ोन 20% के डिस्काउंट के साथ 16,000 रुपये में मिल रहा है तो लोग सोचते हैं यहाँ उनको 4,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सच ये है कि आप अपने 16,000 रुपये उस जगह खर्च कर देते हैं जहाँ पर आपको सच में अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी ही नहीं, और आप इस वजह से अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, खुद को गरीब बनाते हैं। आप इस बात को कितना भी घुमा फिरा कर कहें कि सेल पर भरोसा करने से आपको फ़ायदा मिलता है या सेल में खरीदी करने पर आप अपने पैसे को बचा लेते हैं, पर सच यही है कि सेल से कुछ भी खरीदने पर और भरोसा करने पर आप अपने पैसे का नुकसान करते हैं। इस तरह की सेल से खरीदी का एक नुकसान ये भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। हो सकता है आपको सच में एक शर्ट की ज़रूरत हो, लेकिन जब आप किसी सेल में जाते हैं तो आप एक शर्ट की जगह कई बार 4 शर्ट खरीद लेते हैं क्योंकि वहाँ 4 शर्ट पर ऑफर था। इस कंडीशन में आपको लगता है कि आपने फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये बात आपके बजट के लिए सही नहीं होती और आपको इससे नुकसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए किसी सेल का इंतजार नहीं करता, बल्कि मैं ज़रूरत को देखता हूँ और जब मुझे लगता है कि मुझे सच में उस सामान की ज़रूरत है तो मैं उसे बिना देर किए खरीद लेता हूँ। इस वजह से मुझे कई बार वो सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन मेरे लिए वो नुकसान चलता है। मुझे इस तरीके से पता होता है कि जो सामान मैं खरीद रहा हूँ वो सच में मेरी ज़रूरत है और इसे मैं किसी लालच में आकर नहीं खरीद रहा हूँ। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप कोई सामान खरीदें तो उसे इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो सामान किसी सेल में बिक रहा है, बल्कि उसे आप इसलिए खरीदिए क्योंकि आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से खरीदी करेंगे तो आपके लिए अपने बजट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तब आप अपने खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं और तब आप धीरे धीरे अमीर भी हो सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकता हूँ कि अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आप कभी भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने पैसे बचा पाएंगे और कहने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप खुद को अमीर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप इन बातों को मानेंगे, इन बातों को समझेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सभी के साथ में शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।